20 न्यूज पर सुबह की बड़ी खबरें, देश विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हो या फिर क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या फिर मार्केट का उतार चढ़ाव या फिर नौकरियों की जानकारियां, एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ सिर्फ C20 न्यूज पर। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको खबरें मिले सबसे पहले। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन होंगे अगले सीएम। यूपी में 6 और आईपीएस अफसरों के तबादले, 67 पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण। फिरोजाबाद में रिश्तेदार बनकर चूड़ी व्यापारी से ठगे 88,000 रुपए। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे के बाद बूंदाबांदी शुरू, अब बढ़ेगी और ज्यादा ठंड। बजट से आई पहले खुशखबरी, भारत बना ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन, चीन हुआ बेपटरी। बुलंदशहर में सगी बहनों को खेत में खींचकर रेप की कोशिश, सिपाही समेत 7 पर मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में उड़ेसर गजादा सिंह में 8 फुट लंबे मगरमच्छ को बचाया गया। रोहतास जिले के डेहरी शहर में तेंदुआ से फैली दहशत। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, नया कानून लाने की तैयारी में सरकार। डकैती में गोंडा सांसद समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात पर मुकदमा, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में चंबल का लाडला शहीद, एक दिन पहले ही घर वालों से की थी बात। लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से ताल ठोंक रही है काजल, राजनीति से पहले फिल्मी पर्दे पर दिखाया है दम। भारतीय नौसेना का पराक्रम, समुद्री लुटेरों को चटाई धूल, पाकिस्तानियों ने की भारत की तारीफ। पूजा की इजाजत के बाद ज्ञान वापी की सुरक्षा बढ़ी, आधी रात को विश्वनाथ मंदिर पहुंचे डीएम कमिश्नर। अबू धाबी में मोदी के सामुदायिक कार्यक्रम, मंदिर उद्घाटन के चलते भारतीय अधिकारी तैयारियों में व्यस्त। भारत और ओमान ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर, समुद्र विज्ञान, जहाज निर्माण इत्यादि मुद्दे भी रहे चर्चा के विषय। दिल के मरीजों को राहत, 3 फरवरी से बिलासपुर में शुरू होगी कैथ लैब, केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने भी की जीत दर्ज। उत्तर प्रदेश में 62 फार्मासिस्टों की मिली पदोन्नति। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी अंतरिम बजट। ये थी अभी तक की 20 बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।